देखिए मिश्रा, सवाल यही है कि कभी आप पाकिस्तान के साथ तुलना करने लगते हैं, कभी आप कहते हैं कि देश में कैरोसिन छिड़का जा चुका है। ये किस तरीके की भाषा है, ये कैसा लहजा है और ये क्या दर्शाता है? पूजा मैम देखिए, देश की राजनीति में शिकायती राजनीति, कॉम्प्लेनिंग राजनीति, कॉम्प्लेंट करने वाली राजनीति की शुरुआत मुझे लगता है राहुल गांधी जी या अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। जैसे घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, जो सामर्थ्यवान नहीं होता है, जो हर तरफ से निराश हो गया होता है, तो वो कॉम्प्लेंट करता है। राहुल गांधी जी ये कृत्य करके ये बताते हैं कि उन्हें संविधान में विश्वास नहीं है। भाई बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया था, सब चीजों के लिए सजा का प्रावधान है, न्याय का प्रावधान है। आप उसको झुठलाते हुए आप ये दिखाना चाहते हो कि आपकी जड़ें वहां पे हैं, वहां हार्वर्ड में जाके आप कंप्लेंट बुक करेंगे, परिवाद पुस्तिका वहां रखी हुई है आपके लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक तथ्य और इससे खुलता है कि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड वगैरह इतने गजब के इंस्टीट्यूट हैं, तो क्या ये घटिया और निम्न स्तर की बातें सुनने के लिए इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल वहां इकट्ठे हुए हैं कि जी मेरे फोन में ये गाना नहीं है तो मेरे फोन में ये सॉफ्टवेयर है। मैं तो हैरान होता हूं कि हार्वर्ड वगैरह ने अपना अपना लेबल, अपना इंटेलेक्चुअल लेबल, एकेडमिया का लेबल इतना गिरा दिया है कि अब इस चीज के लिए जो है बात करने के लिए, भाषण देने के लिए इस टॉपिक पे बुलाया जा रहा है कि जी केरोसिन छिड़का जा रहा है और पेगासस पे ये हो गया है, ऐसे हो गया है। तो ये दोनों ही चीजें बहुत शर्म की बात है। एक जिम्मेदार नेता होने के कारण शायद राहुल गांधी को ये एहसास हो गया है कि यहां से अब उनका कुछ होने वाला नहीं, सुन रही है तो वो जाके बाहर जो उनके आका हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कल जाके चीन उनमें भी इनवाइट किया जाए, वहां जाके शी जिनपिंग से ये शिकायत करने लगे कि हुजूर ऐसे हो रहा है। नहीं, उसे क्या फायदा होगा? राहुल गांधी को फायदा कुछ नहीं होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ अब कम से कम चलिए मैं फायदा ये मानता हूं, देश के सामने ये एक्सपोज तो हो रहा है कि ये अपने अपना आका ये किसको मानते हैं, किसके पास ये न्याय के लिए जा रहे हैं? जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान के पास ये न्याय के लिए जा रहे हैं कि अंग्रेजों के पास जा रहे हैं? और आप इंडिया, बड़ा इशू नहीं है कि आपने अपने घर में बैठ करके अपने देश में जाके बोला या बाहर जाके बोला। आप यहाँ भी जिस तरह की जो ये नफरती माहौल आपने देश में पैदा कर रखा है, आप क्या सोचते हैं ये बात यहीं दबी हुई है? क्या ये विदेशों में नहीं जा रही है? क्या हमारी छवि विदेशों में नहीं पहुंच रही है? क्या जब ये पेगासस सॉफ्टवेयर का जब ये मामला खुलासा हुआ था और इसमें सब चीजें आई थी, तभी मणिशंकर जी पाकिस्तान में जाकर शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार बनाओ। इसी सिद्धांत के हिसाब से अनुज जी, मणिशंकर जी पाकिस्तान में जाके बोलते हैं कि हमारी सरकार बनाओ, हमें जिताओ। ये कोई लॉजिक है सर? ठीक है, बोलिए आत्रे साहब।